हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने अपने चैनल स्टडी आईक्यू अभिषेक में। और जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही जो है मतलब एक लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें एप्टीट्यूड के बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा हूँ। उसी सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको दिख रही होगी, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। और कल मैंने जो है वीडियो जो है पाइप एंड सिस्टम की भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और भी बहुत सारी लगभग 8-10 चैप्टर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को जो है कवर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को बीच में स्विच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। आपकी सारी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एकदम क्लियर हो जाएगी। बस फिर आपको केवल और केवल अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, और यहां पर आपकी मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है मैं सारी क्लियर करा दूंगा। तो बिना देर करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पे। तो आपको दिख रही होगी रूल नंबर 1 मैंने यहां पर लिख रखा है। देखिए, रूल नंबर 1 है क्या, यहां पर हम देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितने दिन तक कितना काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड है ये चीज। आपको जैसे क्वेश्चन, अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को अगर बेसिकली वैसे करना, मतलब इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। पेपर के अंदर आपके पास टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम को कंज्यूम से बचाने के लिए ही देखिए फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूले के लिए अगर आप याद कर लेंगे तो 100% बता रहा हूं, आपका मोस्टली सारे क्वेश्चन इससे निबट जाएंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला है क्या। देखिए, एम मैन कैन फिनिश, मतलब एम मैन है और जो वर्क है वो डब्ल्यू है, कितने दिन में कर लेते हैं, D1। ठीक है, उसी तरीके से एम टू मैन है और फिनिश कर लेते हैं W2 वर्क D2 डेज में। ठीक है, तो उसका रिलेशन हमेशा याद रखिए, M1 D1 upon W1 M2 D2 upon W2। ठीक है, M फॉर मैन, D फॉर डे, W फॉर वर्क। M फॉर मैन जो दूसरे हैं, D फॉर दूसरे वाले, W। तो यहां पर देखिए टाइम आल्सो टेकन, अगर हम टाइम को भी कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एम मैन मतलब W वर्क इतने दिन में और इतने आवर्स में, तो यहां पर आप M1 D1 T1 जो है तीनों चीजें आराम से लिख के इस फॉर्मूले को बस एक बार बेसिक से याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम बहुत ही दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए और बी जो है आपका कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। सेम उसी तरीके से बी और सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और इसी तरीके से सी एन ए कितने दिन में करते हैं, 20 डे में। ठीक है, हमने देख लिया कि ए और बी है 12 डे में, बी और सी है आपका 15 दिन में, और सी और ए है 20 डेज में, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमें बताना है कि अगर वो काम ए बी सी साथ साथ करे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए बस एलसीएम मेथड बेहतर, सबसे बेस्ट होता है। हर क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करें, मेरी राय यही है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप दूसरे मेथड जो है, जो मतलब अपॉन वाला मेथड, उससे कर सकते हैं, अगर वो आपको सुटेबल लगता है उससे करिए, लेकिन मैं राय यही दूंगा कि आप लोग इसी मेथड से करें। तो यहाँ पे देखिए 15, 20 और 60, 12 का लासा तो आपको पता ही होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए A प्लस बी कितने दिन में करते हैं, तो A प्लस बी करते हैं 12 दिन में। ठीक है, B प्लस बी कितने, 15 दिन में। C प्लस सी कितने, 20 दिन में। ठीक है, हमने ये लिख लिया। जो एलसीएम होता है वो आपका टोटल वर्क, टोटल मतलब बन जाता है कि इतना काम करना है, ये समझ के चलिए। एलसीएम जो भी निकलता है वो टोटल निकलता है आपका। ठीक है, तो हम इफिशियंसी निकालेंगे, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए और बी अगर टोटल 12 दिन में ये 60 काम कर रहे होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12/60 5। तो ये ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई। इसी तरीके बी प्लस सी अगर 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 का। इसी तरीके सी पे किसी ने 20 थी 60 यानी 3 का। तो नहीं, आपकी देखिए 5, 4, 3, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की क्या है, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, तो देखते हैं टोटल इफिशियंसी कितनी बनी इन सबकी। तो देखिए ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी, सी प्लस ई, तो ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 3। तो आपको देखिए 5 + 4 + 3 = 9 + 3 = 12, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन सबको देखिए दो दो बार है, ये ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + 2b + 2c = 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 12/ इधर से नीचे डिवाइड कर देंगे आपका 6। तो यानी a प्लस बी प्लस सी पूरे मतलब 6 दिन, मतलब एक तरीके से कहते हैं 6 डे में जो है, मतलब उनकी मतलब एवरेज है जो 6 काम करते हैं, ऐसा समझ के चलिए 6 काम करते हैं, 6 का काम करते हैं। तो ए प्लस बी उनकी इफिशियंसी 6 काम की है पर डे के हिसाब से। अब आप बताइए टोटल काम कितना है, टोटल काम आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया ना 60। तो टोटल काम आपका 60 है और 6 दिन वो एक दिन के हिसाब से करते हैं, तो आपका वर्क कितने दिन में हो जाएगा, 60/ आपका पर डे का वर्क 6 यानी 60/6 यानी 1 यानी आपका 10 डेज हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने एकदम बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाई है। इसी तरीके से आप और भी अच्छे क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 4 लोग भी आ गए, सी प्लस ए के बाद आपको मान लीजिए सी प्लस डी भी आता है, तो भी इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस इसी तरीके से स्टेप फॉलो करते हुए चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ठीक है, बी एन सी 60 डेज और ए एन सी कर सकते हैं 45 दिन में। तो आपको सी का बताना है, केवल सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, तो आपको पता है ए प्लस बी 36 दिन में, तो ए प्लस बी कितने में कर लेते हैं, 36 डेज में लिख लिया, और बी प्लस सी 60 दिन में और सी प्लस ए 45। तो आपको यहाँ पे 36, 60 और 45 का सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे अब इन तीनों का आपको लेना होगा एलसीएम। जब आप एलसीएम इन तीनों का ले लेंगे,
तो एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 180 आएगा। तो एलसीएम जब आप यहाँ पे 180 आया तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही चीज जो पीछे फॉलो करी थी, क्या ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालना। 36 से 180 को काटेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5, 60 को 180 से करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 3, सी प्लस ए को उससे भाग करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 4, यानी देख सकते ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 3 और सी प्लस ए की 4 जो है आपकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब वही फंडामेंटल रूल की सारी जो टोटल इफिशियंसी सबकी हम जोड़ देंगे, तो इफिशियंसी सबको जोड़िए तो कितना है, यहाँ भी आपका कितना आया, पिछले क्वेश्चन की तरह 12 आया। अब देखिए यहाँ पे तो दुगने में आया है, तो सिंगल के हिसाब से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ का आपको क्लियर हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपके 6 दिन के मतलब एक मतलब ऐसा समझिए पर डे 6 काम करेंगे, ठीक है, ये क्लियर होगा। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है केवल सी कितने में करेगा, केवल सी कितने दिन में करेगा। तो बहुत ईजी है, देखिए आपको यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का तो पता है 6, ठीक है पता है, आपको केवल सी का निकालना है। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं ना, ए प्लस बी की इफिशियंसी रख दें और ए प्लस बी की इफिशियंसी आपकी कितनी है 5, तो आप यहाँ अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी का 5 रखेंगे तो सी प्लस और टोटल इफिशियंसी कितनी है 6, तो सी का मतलब इफिशियंसी कितनी है, यानी सी जो है एक दिन में एक काम करेगा। अब सी को टोटल अकेले ही काम करना है, अब सी के साथ कोई नहीं है, सी के साथ कोई नहीं बचा, सी के साथ सी की इफिशियंसी 1 है और सी को अकेले ही काम करना है। तो अकेला भैया इतना बड़ा काम है तो देख सकते हैं अकेला काम कितना है 180, तो सी को कितना डेज लग जाएंगे, 180 डेज ही तो लगेंगे क्योंकि सी की इफिशियंसी 1 है। इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस वीडियो में, देखिए 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज, ठीक है। पहली आपको इस समझ में कि मैन जो है 39 है और रोड को कितने दिन बढ़ा और कितना अगर वो कितने दिन मतलब 5 घंटे जब पर डे काम करते हैं तो 12 दिन में वो जो है 39% रोड को बना लेते हैं, ठीक है। अब वो पूछा है, अब वो पर्सन की संख्या कितनी होगी 30, ठीक है, कितने होगी पर्सन अब 30, अब वर्किंग कितनी करा 6 घंटे मतलब 1 घंटा बढ़ा दिया, तो अब पूछा है वो कितने दिन में वो काम को मतलब खत्म कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, बस एक बेसिक कोई मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद रखना है, m1 d1 t1 upon w1 बराबर m2 d2 t2 अपॉन w2, जो आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ पे वर्क तो कुछ दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो इसे लेंगे ही नहीं, ठीक है। वर्क मान के वर्क तो देखिए आप ऐसे मान सकते हैं कि वर्क तो उतना ही है ना, काम तो जितना उन्हें मतलब ये सब मिलके करेंगे उतना ही काम जो दूसरे वाले, तो डब्ल्यू वन बराबर तो डब्ल्यू टू हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही M1 M2 दे रखा है, पहले 39 मैंने अब 30 हो गए, डे देखिए पहले 12 है लेकिन अब पूछा है, ठीक है, पहले टर्म कितना था 5 घंटे अब 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो वही सेम M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, तो यहाँ पे आएगा T2, ठीक है। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुटिंग करनी है, आपका सवाल जो है आपका बिल्कुल इजीली तरीके से आंसर जो आपका सवाल का आ जाएगा। देखते हैं कैसे, M1 बराबर 39, D1 बराबर 12 और T1 बराबर 5, ठीक है, M2 बराबर 30, D2 बराबर निकालना है और T2 बराबर 6, यहाँ से आप जैसे रखेंगे D2 बराबर 13 डेज आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी इजीली तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 72 मैन 72 मैन है वो एक वॉल को 280 मीटर ले, ये देखिए आपकी वर्क आ गया, कितना काम करना है 280 मीटर वॉल बनाना है, ठीक है, और लेंथ 21 डेज यानी 21 डेज में बना लेते हैं, ठीक है, 72 मैन मिलकर एक 280 मीटर वॉल को 21 डेज के अंदर बना लेते हैं, ये चीज हमने देख ली। अब देखते हैं आगे, हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज, मतलब कितने, अब यहां देखिए हाउ मैनी मैन पूछा ना, इसमें हमने निकालनी है M2, मैन की संख्या निकालनी है कि 18 डेज के अंदर ही बॉल बना ले और क्या नाम है कितने मीटर 100 मीटर, मतलब कितने आदमी 18 डेज के अंदर 100 मीटर की बॉल बना लेंगे, बहुत वेरी गुड। तो क्वेश्चन वेरी इजी है, देखिए ये तो हो गया आपका M1, ठीक है, ये आपका हो गया W1 वर्क और ये आपका हो गया D1 डे हो गया, और इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो गया D2 और यहाँ हो गया आपका वर्क 2 और आपको पूछा क्या मैन पूछे हैं, तो वही फॉर्मूला M1 D1 और देखिए T1 बराबर T2 तो होगा क्योंकि टाइम तो दोनों बराबर नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो T1 बाय T2 रखने की जरूरत नहीं है, तो M1 D1 अपॉन W बराबर M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे आप 72 × 21 × 280, इसे M2 निकालना है × 18 × 100, तो उसके हिसाब से आपका M2 जो हो जाएगा 30 यहाँ पे हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कितना बेसिक तरीके से आपने इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5% प्रिपेयर ए एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज, यानी 5% है एक एडमिशन की लिस्ट को 8 डेज में बना लेते हैं, ठीक है, 5% है एडमिशन लिस्ट 8 डेज की है और कितने घंटे काम करते हैं 7 घंटे, तो ये M हो गया, ये आपका D हो गया और ये आपका हो गया T।
इसी तरीके से 2% ये आपका M2 हो गया, उसके बाद कह रहा है कि कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, ये आपका D2 हो गया, और नीड टू वर्क कितना है, अब इसमें आपको पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो बस M1 D1 T1 बराबर M2 D2 2D लगाएंगे, तो 5 × 8 × 7 बराबर 2 × 4 × T2 2, जैसे T2 की लगाएंगे 10 आवर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, और ये बहुत ईजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। और अगर आप अदर तरीके से कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे कि 5 मैन को लेकर 8 करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, ये तरीका याद रखिए बहुत बेस्ट है, आपको तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कारपेंटर कैन बिल्ड एक कार्डबोर्ड इन 848 आवर, मतलब एक कारपेंटर है जो कि कार्डबोर्ड को 48 घंटे के अंदर बना सकता है। अब देखिए आफ्टर 12 आवर मतलब 12 घंटे के बाद ही टेक ए ब्रेक, वो क्या करता है ब्रेक लेकर है, व्हाट सेक्शन ऑफ द कीबोर्ड ही येट टू बी बिल्ड, मतलब 12 घंटे के बाद ब्रेक लेकर है तो पूछा गया है कि उसने कितना काम कर लिया, मतलब कितना फ्रैक्शन में काम कर लिया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 का काम है तो वो आधा काम कितने में कर लेगा, 10 का काम 20 दिन में करता है तो एक तरीके समझ सकते हैं कि 5 काम कितने में करेगा, 10 दिन में, तो इसका आधा दिन में करेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कह रहा है पार्ट ऑफ द वर्क डन इन 12 आवर, ठीक है 48 घंटे पूरा करता है तो 12 में कितना करेगा, 12 बटे 48 1/4 भाग पूरा कर लेगा, लेकिन पूछा उसने कितना काम करा तो टोटल काम आपको पता है 1 होगा और 1/4 कर लिया, तो 1/4 करने का मतलब 3/4 बचा, 75% जो काम है उसका भी बचा हुआ है, और 1/4 भाग यानी उसने 25% काम कर लिया और जो उसका जो वर्क है आपका 75% उसका काम बचा हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप का ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप बस आराम से करते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ए कैन डू ए 50% जॉब इन 16 डेज, ठीक है ए जो है अपना 50% काम जो है 16 दिन के अंदर कर लेता है, और बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24, और जो बी है अपना जॉब मतलब 24 दिन के अंदर 1/4 काम कर लेता है, ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज दे डू 3/4 ऑफ द जॉब ऑफ द वर्किंग डे, मतलब वो कितने दिन के अंदर मतलब जो है वो लोग 3/4 जो है अपना टोटल वर्क कवर कर लेंगे, तो ठीक है अगर एक बार बताइए ए अगर पहले स्टार्टिंग से ही करते हैं ए 50% वर्क 16 दिन में कर रहा है तो 100% वर्क कितने में करेगा 32 दिन में, क्योंकि जब आधा काम 16 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा 32 दिन में, और जब ये 1/4 वर्क 24 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितने में करेगा 24 × 4 में कितना 96 जो इसमें कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब देखिए इन दोनों का सिर्फ सेम वही इनका क्या आएगा एलसीएम, तो देखिए एक ही ए कितना भी कर रहा है 32 दिन में तो एक इफिशियंसी कितनी पर डे कितना काम करेगा 4, बी कितना 96 तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 4, तो आपको बताए इफिशियंसी, और फिर बाद में वही स्टेप की ए प्लस बी की आप क्या करेंगे इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, ए प्लस इफिशियंसी की ऐड करते हैं 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि जब एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो 3 + 1 आ जाएगा 4, तो ए प्लस बी कंप्लीट, देखिए ए और प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे एक से समझ के चलिए, एग्जांपल के तौर पे एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं आपका 4 का, और काम टोटल कितना करना है 96, तो 96 काम करना है तो 4 से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 96/4 जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको इतने दिन में वो काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 3/4 निकालना है कि 3/4 कब कर लेंगे, तो देखिए 96/4 में तो टोटल काम कर लेंगे लेकिन हमें निकालना कितना है 3/4, तो 3/4 कैसा आएगा 18 डेज, सीधा आप इसको मतलब डिवाइड वगैरह कर लेंगे इसका जो है 18 डेज यहाँ का आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स आते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बताने में लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी सर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए इससे बढ़िया कुछ क्वेश्चन नहीं होगा और इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा ये क्वेश्चन। देखिए अगर 1 मैन है मतलब 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज, तो मैन वुमेन और बॉयज 4 बॉयज है, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज, ठीक है क्लियर हो गया, उसके कह रहा है 2 मैन 8 बॉयज कैन डू इन 80 डेज, मतलब 2 मैन और 8 बॉयज 80 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, फिर 2 मैन 3 वुमेन एंड 120 आवर, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं 120 आवर, तो 5 मैन और 12 बॉयज कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछा गया है 5 मैन और 12 बॉयज पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसको भी आप किससे करेंगे एलसीएम मेथड, तो देखिए टोटल कितना है 96, आपका 96 आ गया, 120 आ गया और 80 आ गया, देखिए 80 96 आवर दे रखे हैं और 120, ये तीनों इसका एलसीएम आएगा 480। अब देखिए पहला दे रखा है 1 मैन यानी 1 मैन, उसके 3 वुमेन, ठीक है, और 4 बॉयज, ठीक है 4 बॉयज ले लिए, तो ये कितने दिन में करा 96, तो इन सबकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसे डिवाइड कर देंगे आपको इससे, तो इन सबकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसी तरीके से 2 मैन 8 बॉयज, तो 2 मैन और 8 बॉयज इनका कितने में 80 दिन में, ठीक है हमने इसे भी लिख लिया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है डिवाइड करके सीधे। इसी तरीके से देख सकते 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितने 120 डेज में, तो 120 डेज में तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी 4, तो आपको दिख रहा होगा सबकी एफिशिएंसी यहां पे निकल आई है, तो इस तरीके देख सकते हैं कि 1 मैन
थ्री वुमेन और फोर बॉयज, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई फाइव, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं टू मैन और थ्री वुमेन, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई चार आई। अब यहां पे एक बात देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगानी है, पहले आपको ये सोचना है आपको आंसर क्या निकालना है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन सॉल्व करके तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू केवल मैन और बॉयज की चाहिए। क्यों केवल मैन और बॉयज? क्योंकि आंसर पूछा गया केवल मैन का और बॉयज का, तो मतलब वुमेन की अगर आप वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखिए ये वाली पहली इक्वेशन में देखिए और इसमें देखिए, इसमें भी थ्री डब्ल्यू है, इसमें भी थ्री डब्ल्यू है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे तो बिल्कुल डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू किसमें मिलने लगेगी, एम और एम, एम और वी में, तो वही तो आपको चाहिए। तो देखिए यहां पे आपने लिया, यहां से आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या होगा, ये पूरी तौर से कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, यहां पे देखिए फोर बॉयज बचा, बाकी एक देखिए माइनस आएगा तो टू एम में से एक एम गया, माइनस का एम बचा और बराबर वन बचा, और ये तो टू मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहां पर टू सिंपल बचेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एट बॉयज प्लस टू मेल का कितना आया सिक्स, एट बॉयज प्लस टू मेल का कितना बना आपका सिक्स। और यहां पे देखिए एक ये भी आप देख सकते हैं, ये वाली क्वेश्चन कौन सी, सॉरी एट एट बॉयज प्लस टू मेल की जो है वो सिक्स आपको गिवन है, ठीक है, ये वाली आपको गिवन है। और इस वाली क्वेश्चन से आपका कितना जाएगा, एट बॉयज माइनस टू मेल बराबर टू, जो इसे सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को तो ये बन जाएगा। तो यहां से देखिए आप सीधे, जब ये तो एक सिंपल इक्वेशन बन गई ना आपकी, एट बॉयज प्लस टू मेल बराबर आपका आ गया सिक्स, और इसी तरीके से एट बॉयज माइनस टू मेल बराबर आपका टू, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू, और जब बी की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आपको सॉरी एम की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आपको एम की वैल्यू मिली यहाँ से वन, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बी की वैल्यू रखने के बाद बस क्वेश्चन खत्म। आप समझ लिए आपका पूरा क्वेश्चन कुछ पर नहीं बचा, आपसे पूछा क्या था कि पांच मेल और टू मतलब ट्वेल्व बॉयज, तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये था कि आपको देखिए आंसर में निकालना क्या है। तो उसी तरीके से तीन इक्वेशन आपके पास है, इन तीन इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करिए कि उसी इक्वेशन की वैल्यू है जो कि आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए पांच मेल है तो मेल की वन, और यहाँ पे बॉयज है वन बाई टू, तो सिक्स ट्वेल्व इंटू वन बाई टू, तो यहाँ पे इलेवन जो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी आई अभिषेक को लाइक कर दें और बेल आइकन का दबा दें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ लगातार लेकर आता रहूंगा। और बाकी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।